नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अब दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रोचक कहानी लेकर आई हूँ जो आपको हैरान कर देगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हमेशा सकारात्मक सोच बढ़ाने का सीख। बहुत समय पहले की बात है, एक हरियाला जंगल था जहां पेड़ पौधों की रमणीकता और पक्षियों की चहचहाहट ने हर कोने को सजाया हुआ था। इस जंगल में एक सुंदर सा बैरी पेड़ था जिस पर बैठा हुआ एक बहुत ही बुद्धिमान और अद्वितीय तोता रहता था, जिसका नाम था तीर्थकृपा। तीर्थकृपा अपने साथी पक्षियों को रोजाना किसी न किसी नए सबक से रूबरू कराता था। वह एक दिन अपने सबको बुलाया और शुरू करता है, सुनो मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो हमें यह सिखाएगी कि जीवन में हमेशा एक उदाहरण बना रहना चाहिए। एक समय की बात है जब तीर्थ कृपा के साथी पक्षियां जंगल में एक बड़े आयोजन का आयोजन कर रहे थे। इस आयोजन में सभी पक्षियां अपने अपने कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी और सबसे बेहतरीन कला वाली पक्षी को बहुत ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तीर्थ कृपा ने अपने दोस्तों से कहा, हमें भी इस आयोजन में भाग लेना चाहिए और हमें अपनी अद्वितीयता को सभी को दिखाना चाहिए। इस पर सभी ने मुस्कुराते हुए सहमति दी और तय हुआ कि वे सब मिलकर आयोजन में भाग लेंगे। आयोजन के दिन जंगल में अद्भुत माहौल था। सभी पक्षियाँ अपनी अद्वितीयता के साथ उमड़ रही थीं। तीर्थकृपा ने भी अपनी अद्वितीयता का प्रदर्शन किया और सभी ने उसकी कला को देखकर हैरानी में आ गए। तीर्थकृपा ने एक खास दृष्टि दिखाई जिसमें उसने सभी को जंगल के सौंदर्य को देखने के लिए प्रेरित किया। उसने बताया कि हर पेड़, हर पौधा और हर प्राणी जंगल का हिस्सा है और हर किसी की अद्वितीयता में एक खासियत है। उसने सबको यह सिखाया कि जंगल की सुंदरता उसकी विभिन्नता में है और हर किसी की अद्वितीयता से ही जंगल को सजीव बनाए रखा जा सकता है। आयोजन के अंत में तीर्थ कृपा को सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, लेकिन उसने यह कहते हुए कि उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ने एक दूसरे की अद्वितीयता की मूल्यांकन की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय होता है और हमें अपनी अद्वितीयता को समझकर उसे सबके साथ साझा करना चाहिए। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए।